साल 2022 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के महाकाल लोक का लोकार्पण किया, जिसकी चर्चाएं पूरे विश्व में थी। इसी के साथ ही अगस्त महीने तक उज्जैन से नजदीक खंडवा जिले के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना की जानी है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी विधानसभा में आने वाला प्रसिद्ध सलकनपुर मंदिर में सलकनपुर लोक की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मई को सलकनपुर लोक का भूमि पूजन किया जाएगा। महाकाल महालोक बन गया उज्जैन में, बहुत भव्य बनाया है, दिव्य बनाया है। अब महाकाल महालोक तो बन गया, देवी जी का लोक भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और इसलिए सलकनपुर वाली मैया का लोक, जिसमें नव दुर्गाएं 64 योगिनी, एक अद्भुत रचना वहां होने वाली है मैया की कृपा से, और 31 मई को भूमि पूजन है। सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस अपने गांव से एक एक ईंट लाकर सलकनपुर मैया मंदिर के चरणों में अर्पित कर दें। तो मैं चाहता हूं कि सिया कैन और आसपास के जितने गांव के भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, और कुछ हमें नहीं चाहिए, अपने गांव की एक ईंट उस मंदिर में लगना चाहिए। सलकनपुर मंदिर सीहोर जिले में लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर माता विजयसेन देवी की प्रतिमा लगभग 400 साल पुरानी और स्वयं भू मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दुर्गा जी के महिषासुर मर्दिनी अवतार के रूप में देवी ने इसी स्थान पर रक्त बीज नाम के राक्षस का वध किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद जगत कल्याण के लिए इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने विजय मुद्रा में तपस्या की थी, इसलिए इन्हें विजयसेन देवी कहा जाता है। पिछले कुछ सालों से मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों को डेवलप विकसित किया जा रहा है, साथ ही महाकाल लोक इसका एक बड़ा उदाहरण है। और अब अगस्त महीने के अंत तक ओमकारेश्वर में भी आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना की जानी है। इस समय मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर राजनेता अलग अलग क्षेत्रों में अपने दौरे कर रहे हैं। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपनी विधानसभा पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस बात की घोषणा की, लेकिन ये निर्णय उस क्षेत्र में अहम निर्णय माना जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।